तो हाय दोस्तों स्वागत करती हो एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में तो दोस्तों जैसा कि हम जो है वो आज के कल के एपिसोड में हमने देखा ही था कि किस तरीके से एलिगेशन जो है वो मुनावर फारूकी के ऊपर लगाए जा रहे थे इवन यहाँ तक बोला जा रहा था कि भाई लड़कियों को जो है वो इससे दूर रखना चाहिए वहीं पर उन्होंने खुद वहीं पर ईशा से अंकिता से सबसे पूछा भी मुनावर फारूकी ने की क्या तुम लोग जो है वो मेरे साथ रहकर अनसे फील करते हो और वहीं पर अंकिता और ईशा साफ साफ मना करती हुई नजर आई की नहीं हम तुम्हारे साथ जो है वो किसी भी तरीके का जो है वो अनसे फील नहीं करते हैं और इसी के चलते जो है कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने मुनावर

देख ही सकते हैं हर्ष कौर जो है ये मुनावर भाई की जो है वो फ्रेंड है और इन्होंने साफ साफ लिखा है कि सपोर्टिंग मुनावर फारूकी आई नेवर फील अनसेफ और अनकंफर्टेबल अराउंड हिम ही रिस्पेक्ट एवरी टाइम टू एवरी वीमेन कि मैं उनके साथ जो है वो मैं उनकी फ्रेंड हूँ और मैं उनके साथ कभी भी जो है वो अनसेफ और अनकंफर्टेबल जो है वो फील नहीं करती हूँ वो जो है हर एक वीमेन को जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं वहीं पर अगर मैं बात करू उनकी जो है को कंटेस्टेंट रह चुकी हैं

उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है विद सिटिंग आउट साइड शुड नॉट जज हिम हम बाहर से बैठकर जो है वो उसको जज नहीं करना चाहिए और एनी वन हु आर इन साइड नाउ और ना ही घर में रहने वालों को ये कोई राइट है कि वो उसको जो है वो जज करें द वे हैज रीच हेयर इज अमेजिंग एंड क्डोस टू हिम फॉर ऑल द हार्डशिप ही जितनी भी अपनी लाइफ में दिक्कतें देखी उन सबको पार करके जो है वो यहां तक जो है वो आकर पहुंचा उस चीज के लिए हम सबको एप्रिशिएट करना चाहिए इन अ वे बी रिलेट टू ईच अदर अलॉट आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे प्लीज होल्ड इट टूगेदर फॉर अनादर थ्री वीक्स एंड देन यू विल बी आउट ऑफ द हाउस एंड आई एम जस्ट वेटिंग हेयर फॉर यू टू लिसन ऑल वट इज विथ इन यू स्टे स्ट्रांग मुन

आई थिंक ये काम कर चुकी है उनके साथ और ये जो है वो उनके सपोर्ट में उतरी हैं और इनका भी कहना है कि इट्स डिसहनिंग टू विटनेस दब्लिक स्क्रूटनी टू लव दम सेंड कंफ्लिक्टिंग मैसेजेस टू टूडेज जनरेशन लव शुड नॉट ट्रांसलेट इन टू पब्लिक डिग्रेडेशन वन वंडर्स वाई सच मैटर्स नीड टू बी एयर पब्लिकली वैंड जेनवन कंसर्स कुड बी एड्रेस प्राइवेटली privately it's a reminder of all the complexities and contradictions in how relationships are portrayed and judged in the public eye the consequences of publicly tarnishing ter someone's character extend beyond entertainment it causes genuine mental Distress. It takes immense efforts to build a name enduring countless hardships. Let's not allow hate to tarnish that hard earned reputation. In a world preaching kindness, it's crucial to question the negativity we witness on public platforms. Publicly dismantling someone's character can inflict several mental distress, and it's crucial to recognize the line between entertainment and harm. It's time to stop the cycle of harassment and focus on positivity. If wrong, it's better to let go and trust that there is a higher power. से शो के अंदर एंटरटेनमेंट के नाम पर जो है वो हेरेसमेंट को जो है वो बांटा जा रहा है और हम कोई नहीं होते है उस को जो है वो जज करने वाले उस हेरेसमेंट को जो है अब हमें पूरे तरीके से रोक देना चाहिए क्योंकि कही ना कहीं, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये किसी की मेंटल हेल्थ पर जो है वो स्ट्रेस डाल सकते और इसका क्या कारण होगा आगे जाकर क्या होगा उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है वहीं पर अगर बात करें नीति टेलर का कहना है कि एक बहुत बड़ी ताकत है अगर उसने गलत किया होगा तो उनको जो है वो उनका उनका जो है वो कर्मा मिलेगा तो हमें जो है वो उनको उस पर छोड़ देना चाहिए हम कोई नहीं होते किसी को जो है वो जज करने वाले यहाँ पर एक और है जानवी है जो कि को एक्ट्रेस रह चुकी हैं मुनावर फारूकी के साथ जो है वो काम कर चुकी हैं और इनका भी ये देखिए ये इनका एंड uh, आपको पता होगा कि बिग बॉस हाउस में क्या चल रहा है एंड चीजें कितनी ज्यादा अगली हो गई हैं कितने गंदे तरीके से सब बोला जा रहा है एंड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज आई हैव वर्क विद मुनावर मुझे पता है वो कैसा इंसान है वो एक बहुत अच्छा इंसान है एंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त है तो ये जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है मुझे लगता है एंड टू पर्सनल सो आई डोंट स्टैंड बाय दिस आई एम स्टैंडिंग विद मुनावर सो आई एम डेफिनेटली गोना वोट फॉर मुनावर ओनली तो ये जो है वो सभी जो है वो मुनावर फारूकी के सपोर्ट में जो है वो सारी फीमेल्स आपको दिख ही रहा होगा कि ये सभी जो है वो मुनावर फारूकी के सपोर्ट में जो है वो उतरी है क्योंकि जिस तरीके से हेरेसमेंट जिस तरीके से मेंटल स्ट्रेस उनको वहां पर दिया जा रहा है ब्लैकमेल किया जा रहा है एक तरीके से कि मैं ये कर दूंगी मैं वो कर दूंगी तो उस चीज को कहीं ना कहीं जो है वो स्टॉप करना चाहिए और मुनावर फारूकी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जिस तरीके से उनको यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है कि गर्ल्स इनके साथ काम नहीं कर सकती ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती तो वही कुछ गर्ल्स जो उनके, साथ काम कर जो उनके साथ कुछ टाइम जो है वो स्पेंड कर चुकी हैं वो खुद जो है वो उनके सपोर्ट में उतरी हैं और उनका खुद का कहना है कि मुनावर फारूकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इन सब के बारे में प्लीज हमें हमारे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें